नीट 2020 अपडेट। यस, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ही क्वेश्चन पूछूंगा। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यस प्लीज आप आंसर दीजिए मैं जो आज क्वेश्चन पूछूंगा। लेट्स हैव डिस्कस विद यू। यस, जो नीट 2020 जो एग्जाम्स है, लास्ट वीक ऑफ जून होना चाहिए या थर्ड वीक ऑफ जून होना चाहिए? अगर होगा तो ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए? सेकेंडली, अगर जो नीट एग्जाम के बाद काउंसलिंग कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? एक महीने का अंदर होना चाहिए काउंसलिंग, या सेंट्रलाइज काउंसलिंग होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट अलग से होना चाहिए? आप बताइए डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एंड ये 31st अगस्त तक लास्ट डेट होना चाहिए ऑल दिस इंडिया एडमिशंस के लिए या फॉरेन एडमिशंस के लिए, या 31st सितंबर लास्ट डेट होना चाहिए एमबीबीएस एडमिशंस को लेकर? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो कोटा सिस्टम से एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी कोटा, अदर कोटा एंड ऑल, विद द ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटी, ये कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो कोटा से डॉक्टर बनेंगे, किस टाइप का डॉक्टर बनेंगे, ये भी एक बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज वो किसी का पेशेंट जो के क्या करेंगे, क्या अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे कोटा के चलते। तो इसीलिए तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप ही आंसर दीजिए, ये क्या होना चाहिए नीट एग्जाम को लेकर या कोटा को लेकर, जो अलग अलग एससी एसटी ओबीसी कोटा को लेकर भी जो मन में क्वेश्चन है। एंड नीट का जो कट ऑफ है, अगर 720 मार्क्स है, 130 इज द मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, या एक सिंगल कट ऑफ होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी जनरल के लिए एक ही कट ऑफ होना चाहिए, या अलग अलग कट ऑफ होना चाहिए, कितना मिनिमम कट ऑफ जाना चाहिए? आप लोग आज आंसर दीजिए नीट को लेकर। जो मेरा मन में क्वेश्चन से मैं आपसे पूछ रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, प्लीज आंसर मी क्या होना चाहिए, सो दैट वी नीड टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे शुड इंप्लीमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स। जो 16 लाख इंडियन स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए उनको लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, जो फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए सपना देखें। तो आपका क्या राय है, क्या प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सो लेट मी नो, देन उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लेके जाएंगे, पूछेंगे। बिकॉज जो डॉक्टर बनना है, ये कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नीट का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, कितना कट ऑफ होना चाहिए, सारे क्वेश्चन का सवाल मैं आपसे चाहिए। यस, यू शुड आस्क मी, देन यू शुड प्लीज टेल मी योर आंसर, then we should discuss it long. I hope you got my message. Thank you for watching us. Have a good day. Kindly like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon.